पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने राजघाट पर मौन धरना दिया, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद दुष्यंत गौतम, प्रवेश वर्मा, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई नेता शामिल दिखे। इस दौरान आदेश गुप्ता ने कहा कि हम बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे। जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने आदेश गुप्ता से इस दौरान की खास बातचीत देखिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि मौन व्रत करने से कांग्रेस को सद्बुद्धि आएगी? देखिए, हम जिस तरह लोकतंत्र में हमारे पास जो लोकतंत्र के हथियार हैं, हम उन्हीं हथियारों से लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं, जब उनकी लोकप्रियता लोकतंत्र और जब उसमें हार जाए, वो लोकप्रियता कम हो जाए, लोकतंत्र में वो जीत नहीं पाए, तो वो इस तरह के षड्यंत्र रचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पंजाब के अंदर, सिखों के अंदर, पंजाबियों के अंदर बहुत सारे षड्यंत्र रचे। और आज जब पंजाब की जनता, वो सिख समाज हो या पंजाब के लोग हों, वो मोदी जी के खिलाफ उस षड्यंत्र से को उन्होंने बेनकाब करके मोदी जी की असलियत को पहचान कर कि मोदी जी वास्तव में किसानों के, सिखों के, पंजाब में हितैषी हैं, तो इसको जानकर जब मोदी जी की लोकप्रियता वहां बढ़ी, तो उस लोकप्रियता को वो पचा नहीं पाए और कांग्रेस ने इस तरह के षड्यंत्र उनकी जान के साथ रचे हैं, जिसको आज ईश्वर की कृपा से बेनकाब हुआ है। मोदी जी सुरक्षित वापस आए हैं, हमने उनके दीर्घ जीवन की कामना की है। आज हम राजघाट पर ये मांग करते हैं, कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे और कांग्रेस तुरंत, सोनिया जी, राहुल जी तुरंत देश से माफी मांगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सोनिया गांधी ने भी बाद में चन्नी से बातचीत की है, तो क्या आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के प्रति चिंता है या फिर दिखावा? देखिए, बाद में किया हुआ काम तो दिखावा ही होता है। पहले अगर करना था तो पहले उन्हें सुरक्षा रखनी चाहिए थी। पहले उन्हें जो पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने ऐन वक्त पर हाथ खड़े किए, क्यों किए खड़े, तो ये सारे सवाल हैं। अब जब सारी बातें खुल गई हैं, सामने आ गई हैं, तो वो दिखावा करेंगे ही। तो आप सुन रहे थे आदेश गुप्ता जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा, फिलहाल कांग्रेस पार्टी दिखावा कर रही है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।